हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फैक्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं और शेयर करना और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फैक्ट्स में। मेरा नाम है निशा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर की साफ सफाई देखना और घर में झाड़ू लगाना। अगर सपने में आपने अपने आप को झाड़ू लगाते हुए देखा है तो यह सपना अशुभ सपना माना जाता है। असल जिंदगी में तो साफ सफाई और झाड़ू पोछा स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ज़रूरी है, और अगर सपने में देखा है तो इसका अर्थ हमारे ज़िंदगी में बिल्कुल उल्टा है। आपके घर में चोरी भी हो सकती है जिससे घर का काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। चलिए हम झाड़ू के बारे में कुछ और भी विशेष जानकारी आपको इस वीडियो के ज़रिए देती हूँ। जैसे कि समुद्री शास्त्र के अनुसार झाड़ू का कुछ नियम होता है जो कि हम सबको उसका पालन करना चाहिए। एक तो घर में दिन के समय झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नज़र ना पड़े जल्दी से, और रात को सोते समय झाड़ू को हम मेन द्वार पर रख सकते हैं जिससे कि नकारात्मक सोच घर के अंदर प्रवेश ना करे रात के समय, और फिर आप सुबह उसको हटा सकते हैं। और शाम के समय सूरज डूबने के बाद कभी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आपके घर की बरकत यानी कि आपके घर की लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है, और रात को घर में झाड़ू ना लगाएं। तीसरी बात यह है कि आपके घर पर से कोई व्यक्ति या आप का कोई रिश्तेदार या कोई बाहर जाता है तो उसके तुरंत जाने के बाद झाड़ू ना लगाएं। इससे जिस काम से वह व्यक्ति गया है उसका काम बनते बनते भी बिगड़ सकता है। आज की वीडियो हमारी आप लोगों को कैसी लगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे की आप कमेंट करेंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा। और आगे मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक के अपना ख्याल रखें। बाय बाय।